नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में चर्चित गैंगरेप कांड के इनामी आरोपी और एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हुई। तकरीबन एक घंटे तक चले इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का मुख्य इनामी मोहम्मद आदिल उर्फ छोटका घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को अपनी हिरासत में लेने के बाद इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि शनिवार को सराय अकील थाना इलाके में विशेष समुदाय के 3 युवकों ने घास काटने खेतों की तरफ गई दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, वैसी दरिंदों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर पुलिस तलाश में जुटी थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के मुताबिक मंगलवार की शाम मुखबिरों की सूचना पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को पिपरी थाना क्षेत्र के रावतपुर इलाके में गैंगरेप के आरोपी की उपस्थिति की सूचना मिली, जिसके बाद एसओजी प्रभारी ने अपनी पूरी टीम के साथ आरोपी की घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 25,000 के मुख्य इनामी आरोपी मोहम्मद आदिल और छोटका को दोनों पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा व कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। समाचार टू जेड के लिए कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट। सर गन साड़ या कुछ और है? सस्पेक्टेड है, एक्सरे के लिए एडमिट करते हैं, एक्सरे एडवाइज करते हैं, एक्सरे के बाद ही पता चलेगा अंदर बुलेट है। सस्पेक्टेड नहीं था। कैसे पकड़ा गया ये, कहाँ पकड़ा गया और क्या क्या हुआ उसके बाद ये गिरफ्तार? ये 21 तारीख को सराय अकील कस्बे में एक बड़ी घृणित घटना हुई थी बलात्कार की, जिसमें एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। हमारी 5 टीमें इस अभियुक्त की अरेस्ट के लिए लगी हुई थी। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। आज सूचना हमारी टीमों को मिली थी कि पिपरी क्षेत्र में रावतपुर चौकी के पास कहीं पे आने वाला है। जब ये आया मोटरसाइकिल से, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, तो जब इसको रोका गया तो इसने गाड़ी भगाई और पुलिस पार्टी पे फायर किया। कई फायर इसने किए। जब जवाबी फायर पुलिस पार्टी ने किया तो इसके पैरों में, दोनों पैरों में फायर की इंजरी आई है। ये पकड़ा गया है और इसने पूछताछ में, अभी प्राथमिक पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। इसको इलाज के लिए यहाँ पे लाया गया है और ये पुलिस का एक बड़ा सराहनीय कार्य है जी, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम घोषित। ये मुख्य अभियुक्त है आप? ये मुख्य अभियुक्त है। रेप में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें रेप करने वाला मेन अभियुक्त यही है। नाम क्या है? इसका नाम मोहम्मद आदिल उर्फ छोटका है और करीब 25-26 साल इसकी एज है।